हेलो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे जो काउंसलिंग प्रथम राउंड की डेट शीट आ गई है, समय सारणी आ गई है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेने वाले सभी छात्र इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें, और बीएमएस में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएएमएस की भी जल्दी आने वाली है और मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू इस यूट्यूब की दुनिया में सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए अब हम बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की स्टेट लेवल की 85% कोटे की काउंसलिंग का डेट शीट शेड्यूल है ये। यूजी नीट 2024 प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी। यूपी नीट नीट यूजी 2024 के अंतर्गत प्रवेश में प्रवेश के राजकीय एवं निजी, मतलब प्राइवेट एवं गवर्नमेंट और विश्वविद्यालय में जो बच्चे एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेते हैं उन्हीं का ये समय सारणी है। बात करते हैं विवरण, विवरण में बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि 24 तारीख से लेकर 24 तारीख तक है। पंजीकरण कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, मतलब 4 दिन का ये प्रोसीजर है। पंजीकरण धनराशि धरोहर राशि जमा करने की तिथि ये है आपकी, ये भी 20 से 24 अगस्त के ही बीच में है, ये भी 5 दिन का आपके लिए इसका समय है। मेरिट सूची घोषित हो जाएगी आपकी 24 अगस्त को, मेरिट सूची घोषित हो जाएगी एक दिन में। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, आपको चॉइस फिलिंग करना होगा 24 से लेकर के 29 तारीख तक, मतलब 5 दिन आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप अच्छे कॉलेज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हो और अपने मार्कों के अनुसार अपने कॉलेज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, हम आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीट आवंटित परिणाम घोषित करने की तिथि दिनांक 30 अगस्त को सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगी एक दिन के अंदर में। आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि प्रवेश लेने की तिथि, मतलब 31 से लेकर के 5 सितंबर तक आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा दिन दिए गए हैं 6 दिन। अब कुछ क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं। यूपी नीट यूजी 2024 शासनादेश ब्रोशर में निहित निर्देश के अनुसार अभ्यर्थी अपनी अर्हता आकलन स्वयं करें। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थी वेबसाइट upneet.gov.in पर पंजीकृत करके 2000 शुल्क जमा कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी धरोहर राशि 30,000 रुपये जमा होगी, और आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए करा रहे हैं तो आपका 2,00,000 रुपये का बनेगा, और किसी डेंटल कॉलेज के लिए करा रहे हैं तो आपको 1,00,000 का बनेगा। ये ऑनलाइन जमा होगी, ये उसी खाते से जमा करें जिस खाते में आपको वापस मंगानी हो। चॉइस फिलिंग के लिए वह अभ्यर्थी अर्हत होंगे जिनका मूल अभिलेख ऑनलाइन सत्यापन हो चुका होगा, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन स्टूडेंट का हो जाएगा वही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाएंगे, और जिन बच्चों ने सिक्योरिटी मनी जमा कर दी होगी। यूपी नीट 2024 में विवरण पुस्तिका ब्रोशर में एवं महत्वपूर्ण वेबसाइट ये दी गई है, और काउंसलिंग हेल्प डेस्क के इन्होंने नंबर भी जारी कर दिए। यही आपका पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन है जो मैं आपको अभी हिंदी में बताया हूँ। आपसे कहूँगा कि आपको कॉलेज डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको एमबीबीएस के कॉलेज डिसाइड करके अच्छे से अच्छे आपके नंबर के अनुसार बता देंगे। थैंक यू।